मॉर्निंग एवरीवन, यस नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज पुनः हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज पुनः आप अपनी सब्जेक्ट टीचर के साथ में हिंदी व्याकरण का एक नया विषय आरंभ करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी भी अपने घरों में स्वस्थ हैं और अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसकी पिछली वाली कक्षा में हम लोगों ने अपना पाठ्य पुस्तक का जो था पार्ट 14 वह खत्म किया था। उसमें हमने पढ़ा था और उसके अभ्यास प्रश्न किए थे, फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर लेखन किया था। तो आज पुनः हम अपने हिंदी व्याकरण, जैसे कि आपकी जो न्यू पैंसी बुक लगाई गई है और उसमें व्याकरण के अंतर्गत हम अलग अलग पार्ट पढ़ते हुए आज यहाँ तक आए हैं, तो उसी को और आगे बढ़ाकर आज हम हमारा जो विषय है अपठित गद्यांश पाठ 12 उसे आरंभ कर रहे हैं। अपठित गद्यांश, जैसा कि उसके नाम से ही है अपठित। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं, ये क्यों जरूरी होते हैं, इनको कैसे किया जाता है, इसको पढ़ने समझने जानने से पहले, चूंकि हमारे पास हमारे व्याकरण का, भाषा व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान होना जरूरी होता है। और हमने अपनी पिछली कक्षाओं में लगभग व्याकरण के सभी विषयों को या सभी अंगों को टच किया है बेटा, यानी कि अब हम कम से कम वाक्यों को पढ़ना और वाक्यों को समझना सीख गए हैं। तो अब हम लोग इस विषय को आसानी से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपनी पेंसिल बुक जो है वो निकाल लीजिए और पेज नंबर 156 या पेज नंबर 156 निकाल कर अब हम इस पार्ट को पहले सिर्फ रीड कर रहे हैं आपके लिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये क्या है और इसे कैसे किया जाता है। देखिए बेटा, आपको यहाँ पर पीले रंग का एक बॉक्स बड़ा सा दिया गया है ना, उसमें हमें कुछ लिखकर दिया गया है। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का वह भाग जो पहले न पढ़ा हो। इसमें विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इसके अभ्यास से क्या फायदा होता है, उनकी भाषा की पकड़ मजबूत होती है और उनमें अपठित विषय वस्तु को समझने की क्षमता बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा दो या तीन प्रकार से, आप या तो मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं, एक लिखित और एक होता है सांकेतिक। सांकेतिक भाषा को समझने में थोड़ा समय लगता है, हो सकता है सामने वाला जो एक्सप्रेस कर रहा है, जो हाव भाव बता रहा है, वो हम लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है। जो कुछ नॉर्मल से एक्सप्रेशन है वो सबके सेम होते हैं। लिखित में हमारे पास ये दिक्कत होती है कि मान लीजिए हमें अगर पढ़ना नहीं आता है तो हम किसी के लिखे हुए को कैसे समझेंगे। और पहला होता है मौखिक, मौखिक जो हम बोलते हैं और जो हम सुनते हैं, बोलकर और सुनकर जब दो व्यक्ति एक दूसरे के विचारों को समझते हैं वो होता है आपका मौखिक भाषा के अंतर्गत। लेकिन इन तीनों प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मालूम, सामने वाले ने जो भी बोला या जो भी लिखा उसको हम कैसे समझते हैं और किसी की भी बात या विचार को पूरी तरह सही सही समझने के लिए जरूरी है कि हम उसको ध्यान से सुने या ध्यान से पढ़ें। और अपठित गद्यांश जो है वो हमारे अंदर इसी क्षमता को बढ़ाते हैं बेटा। कैसे बढ़ाते हैं, हमने हमेशा से कहा है कि जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो पहले उसको पूरी तरह सुना करिए। जब आप बीच में एकदम से क्वेश्चन करने लगते हैं, हम किसी की दो लाइन सुनते हैं और अपने मन से उसमें नया क्वेश्चन पैदा कर लेते हैं, हम उसकी अगली लाइन सुनते भी नहीं, हो सकता है उसकी नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे सवाल का जवाब हो। तो किसी भी बात को पूरी तरह से सुनना और फिर समझना, ये जो कला होती है वो हम अपठित गद्यांश के द्वारा अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपठित
पठित के अंतर्गत हमें वह दिया जाता है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। पठित मतलब पढ़ा हुआ और अपठित जो पहले नहीं पढ़ा है, प्लस गद्यांश, गद्य का अंश, ऐसे गद्य का अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा है उसे हम कहते हैं अपठित गद्यांश। इन दो शब्दों के भी दो दो हिस्से हो जाते हैं, अपठित गद्य अंश। यहां उपसर्ग लग गया, यहां प्रत्यय लग गया, और जब इन चारों को उनके अर्थों के साथ में लेकर हम समझते हैं तो क्या निकलता है उसका पूरा अर्थ? गद्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा हो। ऐसा कई बार होता है जब हमें कोई नई चीज पढ़ने को मिलती है या जब भी हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हमने उसके बारे में पहले कभी सुना पढ़ा नहीं होता है। जैसे हमको जब वो मिलती है तो तुरंत हमारे अंदर कुछ प्रश्न आते हैं। अगर उन प्रश्नों के उत्तर सामने वाले ने जो जानकारी दी है उसके अंदर यदि है तब तक तो ठीक है, अगर नहीं होती तो वो हम उस व्यक्ति से लेते हैं। यहाँ पर हमें उन्होंने ये बताया है कि हमें किसी भी अपठित गद्यांश को कैसे पढ़ना है और कैसे समझना है। आपको अभी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अपठित के रूप में होंगी। पठित मतलब जो पढ़ी नहीं होंगी, आपने कहीं पर भी इतने सारे पुस्तकों में पढ़ने में नहीं आई होंगी, एकदम से आपके सामने नया खुलता है। आप जैसे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, है ना, अगली कक्षा में जब आप जाते हैं 4 से 5 में 5 से 6 में, तो क्या होता है आपके पास जितनी भी पुस्तकें आती हैं सिलेबस की होती है, लेकिन उनमें वो जो पाठ दिए होते हैं, कविताएं होती हैं, वो सब कुछ आपके लिए नया होता है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, है ना। और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि कोई सा पाठ आपको दोबारा पढ़ना होता है, बोलते अरे मैम ये तो पढ़ा हुआ है, यानी ये पठित है, लेकिन जो आपको पहले कभी सिलेबस में नहीं था आपके सामने एकदम नया आया है वो अपठित हो जाता है। तो अपठित को पढ़ना है और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैम हमने तो वो कभी पहले पढ़ा ही नहीं, फर्स्ट टाइम ही तो पढ़ा है, फिर हम उसके प्रश्नों के उत्तर कैसे दे सकते हैं, ये तो कठिन होगा। नहीं, कठिन इसलिए नहीं होगा कि अगर हम उस गद्यांश को पढ़ते समय, जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए ये एक दिया गया है, अगर आप गद्यांश को पढ़ते समय जब कोई चीज नई हो ना तो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा लेना चाहिए, थोड़ी एकाग्रता अधिक लगाना चाहिए, उस समय अपने माइंड में सवालों को जगह नहीं देना चाहिए, पूरा ध्यान पहले उसको पढ़ने में और समझने में लगाना चाहिए, फिर आपको अपने प्रश्न के उत्तर खुद ही मिल जाते हैं। तो हमें अपठित गद्यांश को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम उस अपठित गद्यांश से जुड़े प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर दे सके। सटीक यानी जो बिल्कुल उस प्रश्न के लिए एकदम एक्यूरेट हो, 100% सही हो, गोल गोल घुमा हुआ न हो। तो कुछ पॉइंट है, उनको पढ़कर फॉलो करने के बाद, समझने के बाद में अपठित गद्यांश को समझना और प्रश्न के उत्तर देना आसान होता है। पहला पॉइंट क्या है? गद्यांश को हल करते समय गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उसका अर्थ समझें। क्या है पहला पॉइंट? ध्यान से पढ़ें और समझ।
बाद में उस वाक्य को पुनः दोहरा कर देखिए कि उस वाक्य में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, उसको समझिए। फिर आप पूरे गद्यांश को ध्यान से पढ़कर एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कीजिए कि आखिर इस पूरे गद्यांश में वह व्यक्ति हमको क्या समझा रहा है ना। फिर क्या करेंगे हम, उसमें आई मुख्य बातों को रेखांकित कर लें। क्या करेंगे दूसरा, मुख्य बातों को रेखांकित करना, है ना। इससे क्या फायदा होता है, जब हम गद्यांश को पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या स्पेशल है, क्या इंपॉर्टेंट बताया गया है, उन शब्द या वाक्यों को आप क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। ऐसा क्यों, अगर उनसे संबंधित कोई प्रश्न आपको आता है या पूछा जाता है तो आप जल्दी से अपने उन रेखांकित मेन पॉइंट को जैसे ही नजर डालेंगे आपको अपना उत्तर जल्दी से मिल जाएगा। तीसरा मुख्य बिंदु क्या है, प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उनके उत्तर ढूंढें। कभी भी अपठित गद्यांश में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो उसी गद्यांश में होते हैं बेटा, तो पहले उस गद्यांश में भी ध्यान से ढूंढें। क्योंकि अपठित से संबंधित प्रश्न है, मतलब उन्होंने हमारा पूर्व ज्ञान नहीं चेक करा है। उन्होंने क्या किया है, आपको इतनी सी चीज दी है और उसी में से उन्होंने पूछा है। मान लीजिए मैंने कोई नई डिश बनाई है ना, मैंने मान लीजिए आज अचार बनाया है, बढ़िया गाजर का अचार बनाया है और आपको मैंने टेस्ट करने के लिए दिया। आपने इसके पहले गाजर का अचार कभी नहीं खाया। आप जब उसको टेस्ट करते हैं और फिर यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें किस चीज का स्वाद आ रहा है, किस चीज का ज्यादा से आ रहा है, तो आप बताओगे इसमें मिर्ची है, नमक है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज इसमें आपको टेस्ट आ रही है। आप कहोगे मैम गाजर का स्वाद आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये थोड़ी पूछूंगी कि ये मीठा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है अचार जो है वह तो खट्टा होता है या तीखा होता है, मीठा थोड़ी ना होगा। क्योंकि हमने उसमें क्या क्या डाला है, हम उसी से संबंधित आपसे प्रश्न कर सकते हैं, उसके बाहर का तो नहीं कर सकते। हाँ पता है गाजर की और भी चीजें बनती हैं, लेकिन मैंने आपको गाजर का अचार दिया है, गाजर का हलवा नहीं दिया है, तो मेरे प्रश्न भी तो जो होंगे वो उसी से संबंधित होंगे और जवाब भी आपके पास उसी में छुपे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर हमेशा ढूंढने के लिए उस गद्यांश के अंदर ही उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर चेक करना चाहिए। अधिकतर से अधिकतर जवाब हमारे उसी में होते हैं, बस हमें अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग अपनी नजर को घुमाना चाहिए कि हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है। उत्तर उसमें है पर हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो, मिला जुला हो, शब्दों का हेर फेर हो, लेकिन अगर आप प्रश्न वाले शब्द उठाकर उसमें ढूंढना शुरू करते बेटा तो उत्तर भी आपको वहीं कहीं दिखाई दे जाता है। एक और तरीका होता है कि उत्तर हम अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। मैंने अभी बोला जैसे आपको कि वाक्य हो सकता है आपके गद्यांश में मिले जुले हो या शब्द जो हैं वे आगे पीछे हो और हमसे जो प्रश्न पूछा गया है उसमें उन्होंने एक छोटी सी चीज पूछी हो, हमें उसके लिए गद्यांश में दिए हुए पूरे चार लाइन या पूरी एक लाइन लिखने की आवश्यकता न पड़े, उसमें से केवल एक या दो शब्द प्रयोग करके भी हमारा उत्तर बन सकता है, तो हम अपना उत्तर अपनी भाषा में यानी कि जैसा हमें समझ में आ रहा है उस तरह से भी हम लिख सकते हैं। बस हमें क्या करना है,
वो जो मुख्य शब्द है या जो मुख्य उत्तरक वाला शब्द है वो हमें अपने उस गद्यांश में से ढूंढना होता है। एक आखिरी बिंदु होता है कि जब भी आप गद्यांश के प्रश्न के उत्तर ढूंढे बेटा, तो आपके उत्तर कैसे होने चाहिए पता है? उत्तर छोटे एवं सरल, स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, है ना? कैसे? एक तो आपके प्रश्न के उत्तर कोशिश करें कि छोटा ही दे, जितना पूछा गया है बस उतना ही जवाब लिखना है। सरल हो, कैसा? हमको ज्यादा टफ शब्द अपनी तरफ से उसमें ऐड नहीं करना है। हमें प्रश्न समझ में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो पुराना वाला हमें कुछ याद था हम वो वाला शब्द यूज कर ले, नहीं, हमें अपने उस दिए गए गद्यांश में से ही उस शब्द के लिए या उस प्रश्न के लिए जो सही सुटेबल वर्ड दिया है हमें बस उसको ही उठाकर यूज करना है बेटा। और स्पष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि उन्होंने आकाश के बारे में पूछा है और अब धरती के बारे में लिख रहे हैं। अगर आपके गद्यांश में आपको आकाश के लिए कुछ और भाव दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है तो आप उसको वैसा ही लिखेंगे, माना कि हमारे पास उससे संबंधित और भी ज्ञान है। क्योंकि हम अपठित गद्यांश प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं तो हमारे अधिकांश उत्तर जो हैं वे कहीं ना कहीं उस अपठित गद्यांश से ही संबंधित और उसी से होंगे। तो इस कार्य को करने के लिए हमें अतिरिक्त मेहनत नहीं करना होती है, हमें जितना दिया है हमें उतने में से ही उस कार्य को पूर्ण करना होता है। तो इसका एक उदाहरण हम आपको आपकी पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। आपको उन्होंने एक अपठित गद्यांश हल करके दिया है बेटा, इसके बाद कुछ गद्यांश जो है उन्होंने हमें अभ्यास के लिए दिए हैं, तो ये पहले हम आपको पढ़कर समझा देते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि वाकई में अपठित गद्यांश को कैसे हल करते हैं। ठीक है, श्रवण कुमार एक आज्ञाकारी पुत्र था। सभी लोगों ने श्रवण कुमार का नाम सुना हुआ है? हाँ, सुना है ना? श्रवण कुमार एक बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके माता पिता अंधे थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। क्या व्यक्त की? तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। ओके, श्रवण कुमार ने माता पिता को कावर में बिठाकर कंधे पर रखकर तीर्थ यात्रा कराई। उन्होंने क्या किया, माता पिता चूंकि अंधे थे चल नहीं सकते थे, उन्होंने दो कावर बनाए, अपने माता पिता को बिठाया और उस कावर को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और उनकी जो तीर्थ यात्रा करने की इच्छा थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। यात्रा से लौटते समय एक जगह श्रवण के माता पिता को प्यास लगी। सफर कर रहे हैं तो प्यास लगना नॉर्मल बात है। जल का पात्र लेकर श्रवण नदी पर गया। जब वह पात्र में पानी भर रहा था तो हल्की सी आवाज हुई। होता है जब आप खाली बर्तन को पानी में डुबोते तो थोड़ी सी गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके एक आवाज होती है ना, हल्की सी, वो हुई। उस समय उस आवाज को पशु द्वारा पानी पीता समझकर राजा दशरथ ने अपना तीर चला दिया। राजा दशरथ उस समय शिकार पर निकले हुए थे, रात का थोड़ा सा समय हो चला था, शाम का समय था और उन्हें दूर से, चूंकि जंगल निर्जन था
तो वो जब पानी भर रहे थे श्रवण कुमार, तो वो जो हल्की सी आवाज हुई उन्हें दूर से ऐसा सुनाई दिया कि शायद कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उन्होंने उसको जानवर समझकर क्या किया, अपना तीर चला दिया। वे आवाज पर बिना देखे तीर चलाने में कुशल थे। किस में कुशल थे राजा दशरथ? बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर तीर चलाने में कुशल थे। तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई। सब कुछ जानकर राजा बहुत दुखी हुए। जब उन्होंने पास में आके देखा, उनकी जोर से चीख निकली श्रवण कुमार की, तो उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हुआ, मैंने तो जानवर को तीर मारा था और ये मनुष्य की चीखने की आवाज कैसे आई? जाकर देखा तो वहां श्रवण कुमार मरे हुए थे। दशरथ को बहुत दुख हुआ। जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया तो वे भी बहुत दुखी हुए। चूंकि उन्होंने पूछा भैया ये व्यक्ति यहाँ है किसी के लिए पानी ले जा रहा है, उन्होंने आसपास देखा तो उनके माता पिता भी उनको वहां दिखे, और जब जाके उनको बोला कि मेरे तीर की वजह से आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, तो उनको बहुत दुखी हुआ। उन्होंने राजा को पुत्र के वियोग में मरने का श्राप दिया और श्राप देकर उन दोनों ने भी अपने प्राण त्याग दिए। जब श्रवण के माता पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा को क्या श्राप दिया कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। और उन्हें श्राप देने के बाद उन दोनों माता पिता जो थे उन्होंने भी अपने पुत्र के दुख में तुरंत अपना शरीर त्याग दिया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया और आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा। अब मेरा पहला प्रश्न आपसे यह बनता है कि श्रवण के माता पिता कैसे थे? कैसे थे? मुख्य प्रश्न क्या है? श्रवण के माता पिता कैसे थे? कैसे? अंधे थे। हमारे अपठित गद्यांश में यह दिया गया है। तो हमने सिर्फ कैसे की जगह क्या लिखा? अंधे शब्द लिखा। एक और प्रश्न है, जैसे श्रवण के माता पिता ने क्या इच्छा व्यक्त की? मुख्य प्रश्न है क्या इच्छा व्यक्त की। तो ये वाला जो शब्द है वाक्य, ये आपको कहीं उस गद्यांश में देखने में आया है क्या? देखिए तो पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा, हाँ चौथे वाक्य में कुछ ऐसा आया है कि सॉरी तीसरे वाक्य में एक बार उसके माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। इस वाक्य में उसके माता पिता के बारे में पूछा गया है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि श्रवण के माता पिता ने क्या इच्छा व्यक्त की। तो अगर हम गद्यांश के अकॉर्डिंग समझते बेटा, तो उसके यानी कि श्रवण कुमार की बात की गई है, ऊपर सर्वनाम प्रयोग किया गया है गद्यांश में, और प्रश्न में संज्ञा रूप में उसका नाम प्रयोग किया है। तो क्या वो दोनों बदल गए? नहीं, है तो वो श्रवण कुमारी। तो हमारा उत्तर भी वहीं से हम लेते हैं कि श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की। ओके, एक और प्रश्न, जैसे राजा दशरथ किस कार्य में कुशल थे? गद्यांश में हमने पढ़ा था किस कार्य में कुशल थे? राजा दशरथ बिना देखे आवाज पर तीर चलाने में कुशल थे। ये वाक्य हमारे गद्यांश में आया है, देखिए। हाँ यह वाक्य आया है। तो अंत में हमें ये बताना है कि श्रवण की मृत्यु किस प्रकार हुई। गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि तीर लगने की वजह से क्या होता, तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और श्रवण की मृत्यु हो गई। तो हमें पूरा उत्तर कैसा लिखना है? अब आप कहेंगे मैम ऐसा एक्यूरेट तो उसमें लिखा नहीं है, तो क्या हम ऐसे दो वाक्य लिख देंगे कि तीर जाकर श्रवण की छाती में लगा और उसकी मृत्यु हो गई? नहीं, प्रश्न हमें उन्होंने जैसा पूछा है हमें उत्तर ढूंढना गद्यांश में है, लिखना अपनी भाषा में है। राजा दशरथ के द्वारा छोड़े गए तीर से श्रवण की मृत्यु हुई। यानी कि हमने अपने उत्तर के लिए जो जरूरी शब्द थे वो गद्यांश में से लिए और उनको अपनी भाषा में उत्तर के रूप में व्यवस्थित किया और फिर लिख दिया। एक और, जैसे श्रवण के माता पिता को उसकी मृत्यु का समाचार किसने दिया?
अगर इसको बिल्कुल प्रश्न की तरह ढूंढेंगे तो पुस्तक में गद्यांश में नहीं मिलेगा, क्योंकि गद्यांश में क्या लिखा है, जब श्रवण के माता पिता को राजा ने उसकी मृत्यु का समाचार दिया तो वे दुखी हुए। अब यहां पर लिखा है राजा ने, लेकिन हमें पूरा क्या लिखना है, श्रवण के माता पिता को उसके मृत्यु का समाचार राजा दशरथ ने दिया, है ना। एक और अंतिम प्रश्न है कि श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को कौन सा शाप दिया, तो गद्यांश के अंत में देखिए, उन्होंने राजा को पुत्र वियोग में मरने का शाप दिया। लेकिन मैम प्रश्न में तो लिखा है कि श्रवण के माता पिता, तो आप भूल रहे हैं गद्यांश में उन्होंने शब्द किसके लिए आया है, श्रवण के माता पिता के लिए, वहां सर्वनाम प्रयोग हुआ है, और श्रवण के माता पिता तब भी तो वो ही व्यक्ति है, वो बदल तो नहीं गए, तो हमारा उत्तर भी बदल नहीं जाएगा, बस हमें उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा कि श्रवण के माता पिता ने राजा दशरथ को पुत्र के वियोग में मरने का शाप दिया। उत्तर हमारे पास ही था, हमने उसको सिर्फ अरेंज किया है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक और आपको इसमें गद्यांश दिया गया है और दो भी गद्यांश दिए हैं, एक समय को लेकर है, एक जिंदगी को लेकर है। तो हम लोग जैसे कि इस गद्यांश को हमने पढ़कर समझा कि कैसे हम अपने दिए गए गद्यांश में से प्रश्न के उत्तर निकालते हैं या ढूंढते हैं और फिर लिखते हैं। तो आपको अभ्यास में करने के लिए भी देखिए इस तरह से दिया गया है बेटा, दिखाई दे रहा है, हाँ कुछ एक दो और तीन गद्यांश दिए गए हैं जिसमें से एक गद्यांश हम आपके लिए कर रहे हैं। कौन सा वाला कर ले, 1 नंबर का या 2 नंबर का या 3 नंबर का, जो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक हम आपके लिए कर रहे हैं हल आपके साथ बैठकर, और बाकी के दो गद्यांश आप लोग स्वयं हल करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम अपने इस एक गद्यांश में आपको सिखाते हैं, ठीक है। गद्यांश 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। गद्यांश 1 को हम पढ़ लेते हैं पहले। किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। एक बार कौन रहता था तालाब में, मेंढक रहता था। एक बार वह तालाब के किनारे बैठकर, किसके किनारे, तालाब के किनारे बैठकर टर टर कर रहा था। क्या कर रहा था, टर टर कर रहा था, आवाज निकलती ना उसके मुख से। वही वृक्ष पर एक कौवा बैठा था। कौन बैठा था वृक्ष पे, कौवा बैठा था। कहां बैठा था, वृक्ष पर। वह मेंढक के पास आया और उसे पकड़ लिया। मेंढक बोला, भाई कौवे, मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है। क्या लगा है मेरे शरीर पर, कीचड़ लगा है, पहले धो लो फिर खाना, पहले मुझे धो लो और फिर खा जाना। कौवा उसे लेकर तालाब के किनारे गया। कौवे को तो ये पता ही नहीं है ना कि पानी में रहता है, वो उसको धोने के लिए जैसे तालाब के किनारे पर गया, उसे रखकर जैसे ही पानी लेने के उड़ा, मेंढक तुरंत कूद कर तालाब में चला गया और कौवा देखता ही रह गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमें कौवे और मेंढक की। अब हमारा पहला प्रश्न देखिए उन्होंने क्या दिया है, पेज नंबर 158 पर आ जाइए बेटा। पहला प्रश्न है तालाब में कौन रहता था। आपको प्रश्न के नीचे देखिए बेटा पर्याप्त स्थान दिया गया है यहाँ उत्तर लिखने के लिए। तो तालाब में कौन रहता था, कौन की जगह में क्या लिख दूं, किसी तालाब में एक मेंढक रहता था। मैम गद्यांश में तो ऐसे ही वाक्य दिया है, लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, तालाब में कौन रहता था। अब वो किसी तालाब में हो या तालाब में, हम
हमारे पास तो गद्यांश में तालाब ही दिया है, तो तालाब में मेंढक रहता था। बस जितना हमें पूछा गया है हम उतना ही उत्तर लिखेंगे, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम लिखेंगे। फिर ख वाला प्रश्न लिखिए, मेंढक कैसे बोलता था। अब आप कहेंगे मैम ऐसा तो इसमें कहीं नहीं लिखता कि मेंढक कैसे बोलता था। देखिए मैं गद्यांश पढ़ रही हूँ पुनः आपके लिए। एक बार वह तालाब के किनारे बैठकर टर्र टर्र कर रहा था, यानी सीधी सी बात है वो एक बार टर्र कर रहा था मतलब वो हमेशा भी टर्र टर्र ही करता है। तो मेंढक कैसे बोलता है, मेंढक टर्र टर्र करके बोलता है। उसका जो बोलने का ढंग होता है ना वो ऐसा ही होता है। पूर्ण विराम। बोलता हाँ है ना, प्रश्न में जो पूछा है हम वही उत्तर में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, मेंढक ने अपने आप को बचाने के लिए कौवे से क्या कहा। क्या कहा जरा अपनी पुस्तक खोल के देखो, उसमें लिखा है मेंढक के पास आया और उसे पकड़ लिया, तो मेंढक क्या बोला था। चलिए हम अपने अपठित गद्यांश में से ही ढूंढ लेते हैं। मेंढक ने अपने आप को बचाने के लिए कौवे से क्या कहा, इतना पूरा हम लिखेंगे नहीं, हम क्या लिख सकते हैं, मेंढक ने कौवे से कहा। अब क्या कहा वो आगे देखिए, भाई कौवे कौ ए मेरे शरीर पर कीचड़ लगाए। बुद्धिमानी करी उसने, मेरे शरीर पर कीचड़ लगा है। उसको पता था कि ऐसा गंदा तो ये नहीं खाया, तो उसको बातों में उलझा रहा था। पहले धो लो फिर खाना, और उसको पता था कि मुझे धोने के लिए पानी के पास तो जाएगा, और पानी तो उसका घर था। ये पूरा वाक्य मेंढक ने कौवे से अपने आप को बचाने के लिए कहा। क्योंकि अगर आप ये शब्द गद्यांश में ढूंढोगे कि मेंढक ने अपने आप को बचाने के लिए, तो आपको उसमें कहीं नहीं मिलेगा। मैम ये लाइन तो इस गद्यांश में कहीं लिखी ही नहीं है, लेकिन ये चीज हमें उसको पढ़कर समझना पड़ेगी। जब मेंढक को कौवे ने पकड़ लिया तब मेंढक ने उससे क्या कहा, वही उसका अपने आप को बचाने के लिए कहा गया वाक्य है, और वही हमारा उत्तर हो जा रहा है। एक चौथा प्रश्न है जिसमें बेटा हमें कुछ शब्द दिए हैं जिनके समानार्थी शब्द हमें गद्यांश में से ही ढूंढना है। अब आप कहेंगे मैम उसमें कहां दिया है, दिए हैं जैसे सरोवर का है तालाब, तालाब दिया है। तरु का जब हमने समानार्थी शब्द याद किए तो उसमें आया था एक वृक्ष, वृक्ष हमें देखिए गद्यांश में दिया गया है। फिर कागा दिया है बेटा, तो कागा का यदि आप समानार्थी लर्न करते हैं या पिछले अध्ययन को या पिछली याद को दोहराते हैं तो आपको पता है कि कागा मतलब कौवा होता है, और कौवा शब्द भी हमें गद्यांश में दिया गया है। एक है नीर शब्द, नीर का समानार्थी जब हम लोगों ने अपने समानार्थी वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि पानी को जल नीर या वारी भी कहते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने पानी शब्द दिया है गद्यांश में, तो हमने इन शब्दों को गद्यांश में से ही ढूंढ कर लिख लिया है। अंतिम प्रश्न उन्होंने हमसे ये पूछा है, जब आप इस पूरे गद्यांश को पढ़ लेते हैं बेटा तो आपको इसमें क्या समझ में आता है। इस गद्यांश
गद्यांश से क्या शिक्षा मिलती है। इस गद्यांश को जब हमने पूरा पढ़ा तो हमें पता है क्या शिक्षा मिली, हमें शिक्षा मिलती है अगर मेंढक भी घबरा जाता जब उसको कौवे ने पकड़ा था तो क्या वो अपनी जान बचा सकता था? नहीं बचा सकता था। उसने क्या करा, धैर्य के साथ में अपनी चतुराई लगाई और अपनी जान बचा ली। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि मुसीबत के समय वाला यह पाठ आज यही समाप्त होता है। अगली बार हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।